हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डामर में फंसे गोवंश को सुरक्षित बाहर निकाल पांजरा पोल गौशाला पहुंचाया। ओम श्री गजानन सेवा समिति अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा ने बताया कि सिरोही फोर लाइन बाईपास पुलिया के पास कुछ दिन पूर्व डामर से भरे ट्रक पलट जाने से सड़क किनारे 200 मीटर दायरे में डामर फैला हुआ था। ऐसे में वहां बेसहारा गोवंश चारे की तलाश में भटकते रहते हैं। इसी दौरान एक नंदी के पैर फिसलने से डामर में गिर जाने के कारण वह खड़ा नहीं हो पाया। अधिकतर डामर उसके शरीर पर जम गया और घायल अवस्था में भूखा प्यासा तड़प रहा था। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के कुछ यात्री वहां से गुजरे तो उन्होंने बस रोककर यात्रियों ने देखा कि एक नंदी डामर में तड़प रहा है। उन्होंने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। उसके चारों पैर डामर में फंसे हुए थे। यात्रियों ने एकत्रित होकर नंदी महाराज को बाहर निकालने के प्रयास किए, लेकिन बाहर नहीं निकाल पाए। उसी दौरान वहां पर गो भक्त रामलाल कुमार भी पहुंचे। दोनों ने अपने अपने स्तर पर सूचना देकर लोगों को एकत्रित किया। वहीं ओम श्री गजानन सेवा समिति के सक्रिय सदस्य गो भक्त हार्दिक कुमार रावल सहित अन्य गो भक्तों ने उपचार शुरू कर डीजल से डामर को निकालने का प्रयास किया। वहीं पशु एम्बुलेंस के अभाव में अध्यक्ष मीणा सहित अन्य गो भक्त किराए के वाहन को लेकर घटना स्थल पर पहुंचे और घायल गोवंश को क्रेन व कार्यकर्ताओं की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया गौशाला के लिए। इसके बाद उसे रवाना किया गया। इस दौरान हार्दिक कुमार रावल, गो भक्त हिमांशु गहलोत, पृथ्वीराज सिंह छगन रावल सहित अन्य लोग मददगार साबित हुए। अध्यक्ष मीणा ने बताया कि पशु एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलने से कई परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन, टोल प्रशासन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में हादसों का शिकार हो रहे पशु सिर्फ एम्बुलेंस की कमी के कारण गौशाला में पशु चिकित्सालय नहीं पहुंचने के कारण अपने प्राण नौछावर कर रहे हैं। सरकार व टोल कंपनी आला अधिकारियों तक कई बार ज्ञापन सौंप कर मामले से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जागरूक टीवी के लिए पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।